काफी समय से एक विवाद चल रहा है कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट हो रही है और कांग्रेस और कुछ एक विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगाते हैं कि साहब वैकेंसियां पुरानी हैं, उस तरह का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो हमने टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट आपके समक्ष एक छोटी सी एक्सरसाइज करके उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर संक्षेप में यदि एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि यूपीए की सरकार के दौरान क्या हुआ और इस सरकार के दौरान क्या हुआ, उसका सबसे उपयुक्त तरीका ये होगा कि थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण हो कि 2004 से लेकर के 9 वर्षों में 2013 तक कैसा रहा दृश्य और फिर 2014 से लेकर 2023 तक। और मैं तो ये कहूंगा कि जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, ना केवल गणित अगर देखा जाए जिसके ऊपर वो बार बार इशारा करें, तो गणित के हिसाब से भी हमारे आंकड़े आपको बेहतर नजर आएंगे बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से। सो इट्स बोथ बीन अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एंड डिफरेंस फॉर द बेटर। ये एक पत्रक है, आपको हम वितरित भी कर देंगे। अगर कुल मिला के देखें जाए तो पिछले जो पहले 9 वर्ष थे यूपीए सरकार के, उसमें 6 लाख और 2045 रिक्रूटमेंट्स रही, उसकी तुलना में इन 9 वर्षों में, नाउ आई विल गिव यू द लेटर ऑल्सो, उसकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में पहले 9 वर्षों में 8,82,191। अगर 8,82,191 इसके अतिरिक्त आप अगर इसका ब्रेकअप करके देखें, क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार में 3 एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की, एक तो सर्विस सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी और तीसरा रेलवे रिक्रूटर बोर्ड, विच आर दी मेजर इम्प्लॉयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखें तो 2004 से 2013 का आंकड़ा है 2,07,563 जबकि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का 9 साल का आंकड़ा है 4,691 विच मीन्स 400691, लगभग दुगना। दिस इज द लार्जेस्ट इम्प्लॉइंग एजेंसी बिकॉज इम्प्लॉइज एट ऑल द डिफरेंट लेवल्स, लो ग्रेड लेवल ऑल्सो, बी ग्रेड सी ग्रेड अक्रॉस द कंट्री। अगर आप यूपीएससी देखें विच इज इम्प्लॉइंग द सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल द अदर ऑल इंडिया सर्विसेज, तो फर्स्ट 9 ईयर्स फ्रॉम 2004 टू 2013 यूपीएससी वेज 45,431 45,431। उसकी तुलना में यदि आप 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के देखें तो 50,906 और तीसरा द लार्जेस्ट इम्प्लॉइंग एजेंसी इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अगर यूपीए के पहले 9 वर्षों में आंकड़ा था 3,47,251, इन अदर वर्ड्स 3,47,251, और यदि आप तुलना करते हैं 2014 से लेकर के 2023 तक वर्तमान सरकार की, तो यह आंकड़ा है 4,30,594, इन अदर वर्ड्स 4,30,594। तो यदि गणित के आंकड़ों को लेकर के बिना आंकड़े दिए हुए, बिना प्रमाण दिए हुए, बिना तर्क दिए हुए बार बार उनके प्रवक्ता उठ करके, और विशेषकर जब भी रोजगार मेला होने की तिथि नजदीक आती है उसके उपरांत ही आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास ना वो आंकड़ों से प्रमाणित कर पा रहे हैं ना वैसे।